मैं भी बहुत रोया हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है, और तू जो हमारे दिलों में दर्द देता रहा उसका क्या? रोडिया बिठा इसको कुर्सी पे, बैठ जा, चल दिखा। अरे इसको तो भगवान की मार इतनी पड़ी हुई है, हम क्या मारेंगे? कहां से पढ़वा के लाया इतने सारे चिब? गिर गया। अरे गिरने से इतने डेंट नहीं पड़ते भाई, सच बता किसने पीटा, पुलिस ने या गुंडों ने? भैया ने, वो मैं जानता नहीं, उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मारा। अबे तू अपनी हरकतें ठीक कर ले तो यही शक्ल ठीक लगने लगेगी। अच्छा अंकल, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको पसंद आने लगूं? तू गुम हो जा यार। ये क्या अंकल, मैं तो आपको पसंद करता हूं, मैं तो आपका दोस्त बनना चाहता हूं। देखो ए, अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे इंप्रेस करने की कोशिश मत कर, मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। आप मानो या ना मानो, मैं प्यार का भूखा हूं, बस इसीलिए ऐसा हूं, मेरा मतलब है तेरे घर में और कौन कौन फैमिली मेंबर है? डैड है जो कभी कभी दिखते हैं, मॉम सोशल वर्कर है जो प्यार कम डांटती ज्यादा है। देख लेना जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना तो ये सब मेरे पीछे पीछे आएंगे। अबे बड़ा आदमी कैसे बनेगा तू, पढ़ाई तो तू करता नहीं, और सुना हर क्लास में 4-5 बार फेल भी होता रहा है। पढ़ने से थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी बनता है, वो तो टोपी फिराने से बनता है। तू निकल बे, कहीं तू ये टोपी मेरे सर पे तो नहीं फिराने वाला? नहीं नहीं अंकल, आप तो मेरे होने वाले यमदूत हैं। देख पंटी बेटा, अगर तू अपनी हरकतों से बाज आ जाए ना तो मैं वादा करता हूँ तुझे बड़ा आदमी तो नहीं, कम से कम बंदे का पुत्र जैसा तो बना ही दूंगा। ये कैसे हो सकता है, मैं तो आप ही के लिए बड़ा आदमी बनने की सोच रहा हूँ। देखो मैं तुझे सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना तो मैं तेरे सारे दांत निकाल दूंगा। ओके अंकल, हम लोग एक डील करते हैं, आप मुझे 1 साल का मौका दीजिए, तब तक मैं व्हाट डू यू कॉल बंदे का पुत्र बनकर दिखा दूंगा आपको, लेकिन उस दौरान आप मेरे और खुशी के बीच में नहीं आएंगे। ओके, मेरी खुशी का अपनी जबान पर नाम भी नहीं लाना। देख बेटा 1 साल तो नहीं, हाँ अगर तू 6 महीने में कुछ ठीक ठाक नहीं बना तो प्रॉमिस कर कि तू अपनी मनुष्य शक्ल हमें कभी नहीं दिखाएगा। ओके ओके आई प्रॉमिस, अब मैं खुशी से मिल लूं। अबे किस मुंह से, इससे जिस पर फिट है मुंह लिखा हुआ? आई थिंक यू आर राइट, लेकिन आप प्लीज खुशी को मत बताना कि मुझे मार पड़ी है, और तू भी मुझे बताए बिना खुशी से मिलने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो आप ही बताइए मैं खुशी से मिलने कब आऊं? अच्छा सुन, 15 दिन के बाद हमारे यहाँ लोहड़ी का फेस्टिवल है, सब आएंगे, तू भी आ जाना। 15 दिन, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अबे शुक्र कर मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, अगर शरीर का डॉक्टर होता तो 6 महीने का बेड रेस्ट लिख के दे देता। अब जा, और 1 हफ्ते तो कुछ नहीं खाना। 7 दिन तो कुछ नहीं खा तो मर नहीं जाऊंगा मैं? अरे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी यार। ओके चलता हूँ मैं, वैसे आपके बिल चुकाने पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन घर की बात है। अच्छा यार, बाय बाय। कोई दे देता, अरे रब्बा कोई भी दे देता, लेकिन ये बंटी, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है यार तेरा। खुशी, खुशी पुत्र, यहाँ छुपके क्यों पढ़ाई कर रही है, कहानी की किताब? ओ नहीं, पढ़ तो तू कोर्स ही रही है। हाँ भूपी, कर तो मैं अपनी पढ़ाई रही हूँ, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। वो तो मार गोली, चल उठ, अंताक्षरी खेलते हैं, रोला पाते हैं, चला जा, चला चल गा माँ से। भूपी उसका भी मन नहीं कर रहा। तो फिर किस में लगेगा मन? बंटी में। भूपी ये हमारा सीक्रेट है, अगर आप प्रॉमिस करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी तो मैं आपको एक बात बताऊं। भला सहेलियां भी अपनी बात किसी को बताती हैं? सुना भूपी, मुझे प्यार हो गया है, सच्चा वाला। अरे मेरी बच्ची, तो इतनी बड़ी हो गई कि प्यार को समझने लगी। 24 घंटे जब उसी का ख्याल आए, किसी चीज में मन ना लगे, तो इसको क्या कहेंगे भूपी? है तो ये प्यार की शुरुआत ही और चेतावनी भी, संभलना है तो अभी संभल जाओ, जितना डूबते जाओगे ना उतना ही निकलना मुश्किल होगा। मुझे बचना नहीं है, डूबते जाना है, मुझे मजा आ रहा है पुप्पी। पर मुझे पढ़ा बंटी। अरे उचित कमरा, रंग बिरंगा। अरे पुत्र थोड़ा सबर कर ले तो अच्छा है, बचपन के रंग बिरंगे खिलौने बचपन में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े होके नहीं लगते। पुप्पी बंटी बाहर से चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका दिल
उसका दिल बहुत अच्छा है। तेरी परवाह करता है? वो तो जीता ही मेरे लिए है। देख पुत्र, अपना ख्याल रखना। प्यार में इतना आगे ना निकल जाना कि अगर तू लौट के आना भी चाहे ना तो रास्ते ही ना मिले। आपके ख्याल वाली बात से एक बात याद आई, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है जब बंटी मेरा हाथ पकड़ता है। पुपी, लड़के हाथ क्यों पकड़ते हैं? पता नहीं पुत्र, हमारे जमाने में तो लड़के लड़की का हाथ इसलिए पकड़ते थे कि कहीं मुंह पे चपेटी ना पड़ जाए। पर सच पूछो पुपी, तो हाथ पकड़ना मुझे भी अच्छा लगता है। देख पुत्र, अगर वो तेरी परवाह करता है, तेरा मान सम्मान करता है, तेरी इज्जत करता है, तो ही वो तुझे प्यार करता है। लेकिन इन बातों को समझने की खातिर बहुत वक्त देना पड़ता है बेटा। पता नहीं पुपी, पर आज माँ की बहुत याद आ रही है। सेना, तुम मुझे जूते मार रहे हो। ये सब क्या है? सर, सॉरी, ये सब चूहे के लिए था। तुम्हें मैंने यहाँ चूहे मारने के लिए रखा है? नहीं सर, मैं ये काम ऑब्लिगेटरी कर रहा था आपके और मेरे पर्सनल रिलेशनशिप के तहत। चूहे की मौजूदगी में अकाउंट्स करना बड़ा मुश्किल होता है सर। शट अप। ये देखो, तुम्हारी वजह से 10,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ रही है। तुमने आईटी फॉर्म्स टाइम पर जमा क्यों नहीं करवाए? सर, उस दिन आपने मुझे एक साथ दो काम दिए और फिर प्रीति जी को एक जगह बैठाकर काम सिखाना अपने आप में फुल टाइम जॉब है सर, और उस पर वो मेरी तस्वीर बनाने लगती है तो वक्त का पता नहीं चलता सर। चुप करो, तुमसे एक प्रीति नहीं संभालती, इतनी बड़ी कंपनी क्या संभालोगे? जाओ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। कहाँ? मुझे छुट्टी बितानी आती नहीं सर। तो रिजाइन कर दो। ये तो नामुमकिन है सर, इस बारे में पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ, निकल जाओ। आप ऐसा ना करें सर, मैं गरीब आदमी हूँ। सक्सेना, तुम्हारे यहाँ रहने से मैं गरीब हो जाऊंगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ सर। किसकी? मेरे गरीब होने की? नहीं सर, जैसे हमारा देश गरीब है लेकिन यहाँ के लोग अमीर हैं, वैसे आप भी अमीर ही रहेंगे सर, पर आपके कर्मचारी गरीब। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। जी सर। मैं तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये आपकी शान के खिलाफ होगा सर। बेबसी जब हद से गुजर जाती है सक्सेना, तो मुझ जैसा सभ्य आदमी अपनी आन बान शान की परवाह नहीं करता। आपकी शान की खातिर मैं इस कमरे को छोड़कर चला जाता हूं सर। अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ठीक है सर, अब की बार मैं ये मनहूस उतार के ही आऊंगा, एक नया सक्सेना बनकर। मेरे पापा थे बेस्ट पापा, पापा ने स्नूकर में बड़े पापा को हरा दिया। वैसे महेश भाई साहब, जो आपने लास्ट स्पॉट डाला था ना, वो तो कमाल का शॉट था सच्ची। क्या कर रही है चारू? मेरी बीवी होकर उसकी साइड ले रही है। मैं न्यूट्रल एम्पायर हूँ और आज के विनर है श्री महेश चंद्र। सब मिले हुए हैं,
मिलकर मैच रहा है, दोबारा से खेलेंगे। अरे हाँ? और शर्त के मुताबिक जो हारेगा वो आने वाले संडे को पिकनिक लेकर जाएगा। नहीं, मैच दोबारा होगा, नहीं तो नो पिकनिक। चीटिंग। देखो शेरू, अपनी बात से फिर मत, प्रॉमिस ब्रेकर इज अ शू मेकर। देखिए जी, पिकनिक तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। नो, ऑफिस में वैसे भी संडे को मेरी 5 मीटिंग है, फिर झूठा कहीं का। ओके, जो जो पिकनिक जाना चाहता है अपने हाथ खड़े करो। शमशेर सिंह जी, पिकनिक तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, वरना हेलो बंटी। खुशी, मैं कब से तुम्हारे घर का फोन ट्राई कर रहा हूँ। पहले मेरी सुनो, हम संडे को पिकनिक पर जा रहे हैं, जगह मैं तुम्हें पूछकर बता दूंगी, तुम वहाँ पहुँच जाना और लगाना एवे मिल गए हो, एक्टिंग कर लोगे ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले कल रात को तुम पार्टी में आ रही हो ना। किस खुशी में? मेरे दोस्त रॉनी के पास होने की खुशी में। पर तुम तो फेल हो गए हो। दैट्स ऑलराइट, लेकिन खुशी, मुझे अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों में खुशियाँ मनाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा बोलने की कोशिश करो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। कल, हाँ कल तो पापा की मीटिंग है, तो वो तो रात को देर से आएंगे, लेकिन तुम हमें घर 10 बजे तक ड्रॉप कर देना। हम कौन? मैं और प्रीति। प्रीति को ले आना जरूरी है क्या? हाँ बंटी, मैंने कहा तो था खुशी के साथ इस पैकेज डील। अच्छा एड्रेस तो बताओ। तुम्हारे घर से तीसरे बस स्टॉप के सामने जो बंगलो है ना, द नेस्ट, वही। बंगला है कि घोसला है? अच्छा हाँ, तुम्हारे मुंह का क्या हाल है, दिखाने लायक हुआ? हाँ इट्स ओके, तुम 8 बजे पहुँच जाना लेकिन। पर तुम ना 10 बजे तक छुड़वा देना, नहीं तो मैंने तुम्हें छोड़ देना है। अच्छा ठीक है, बाय 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 खुशी। सब तेरा ही कसूर है। मले जा रही है और कितना डाक करेगी। काले होठों का ही जमाना है, तू नहीं समझेगी। अच्छा बता, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। अच्छा, आईना भी यही कह रहा है। ये आईलाइनर की लाइन कुछ मोटी हो गई है, नहीं? और ये जो पलकों के ऊपर लगाते हैं, क्या कहते हैं इसे, हमेशा नाम भूल जाती हूँ। मस्कारा। हाँ हाँ वही वही, कुछ फैल सा गया है, नहीं? और बाल भी ठीक से शैम्पू नहीं हुए, जरा ब्रश दियो। चल रही हूँ ना, तू कभी मुझे तैयार मत होने दियो। अच्छा आप चल, ये ले। चल। मैं नहीं आना, मैंने कहा तो था। आ जाना, तुझे तो पता ही है अंदर घुसते ही कितना डर सा लगता है, एक बार झांका खुल जाए सबसे घिल मिल जाऊं फिर चली जाना। तू हमेशा मुझे ही फंसाती है। नहीं फंसती छुई मुई, तेरी तरफ तो किसी ने देखना ही नहीं है, सारे तीर तो मुझे ही सहने पड़ने हैं। अच्छा आप चल। मेरा हाथ छोड़, मुझे जाना है। रुक ना, देख देख वो रहा बंटी, नाचे जा रहा है पागलों की तरह, देख भी नहीं रहा। खुशी मुझे जाने दे। रुक ना, बंटी तक छोड़ा फिर चली जाइयो। हाय बेबी, वुड यू लाइक टू डांस? प्रीति, हाय राम, तुझे कह रहा है, जवाब तो दे। नो, नहीं ये ऐसे ही है भैया, जरा बंटी को बुला देंगे। भैया? व्हाट भैया? आई एम नॉट योर भैया, कॉल मी सैया इफ यू वांट। बड़ा बदतमीज है। प्रीति रुक ना, रुक ना, सुन रुक। Thank you.
कम ऑन चल। नो ना बंटी। अरे हम क्या बंटी से बुरे हैं? कम ऑन बंटी, ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। कम ऑन लेट्स डांस। ओ खुशी, इट्स ओके, अपना राजू है यार, यार है अपना, डांस विद हिम। कम ऑन यार, नाच प्लीज प्लीज। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कैन हेल्प यू? प्लीज लेट्स डांस। या कम ऑन, कम ऑन बंटी। What's the problem, baby? Come on, let's dance. Please. क्या problem क्या है? Come on, let's dance. Bunty. Come on. Come on. Papa. Hey. Bunty. तेरी एक नई खुशी।